जी मेरी मेरी कोशिश ये रही है बहुत ठंडा बहुत गूगल सुधार दो मेरी हमेशा कोशिश ये रही है कि मैं हमेशा मेन स्ट्रीम से हटके करूँ. मैं जिस फील्ड में हूँ वो स्टैंड अप कॉमेडी है, कॉमेडी है, कॉर्पोरेट शोज है, वो करते रहते हैं, लेकिन ये हमेशा मेरे एक्टिंग प्रोफेशन को चैलेंजिंग मुझे साजन अग्रवाल ने प्रपोजल लाया था. और जैसे मैंने सोचा कि ये नेगेटिव है और मेन स्ट्रीम से हटके, तो मैंने तुरंत हाँ बोला. और इस सैंडी कैरेक्टर मेरा और मेरी अपॉर्चुनिटी सबसे बड़ी ये है कि इस फिल्म में रंजीत साहब, हमारे बॉलीवुड के रीनोन विलन, जिन्होंने 300-350 फिल्मों से ज़्यादा फिल्मों की हैं उन्होंने हिंदी में, तो बचपन से हम इनकी फिल्में देखकर बड़े हुए हैं और उनके बेटे का रोल मुझे मिला है, तो मैं बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को. और आपने देखा ही है कि उनके सामने खड़े रहना, टिकना और स्क्रीन पे अप्रिसिएशन लेना, ये अपने आप में एक ईमानदारी से किया हुआ काम है. ये अप्रिसिएशन अभी लोगों से मिल रहा है तो बड़ा अच्छा लग रहा है. वेरी फॉर्चुनेट. रंजीत साहब के साथ चैलेंज तो देखिए, उनके सामने मैंने अभी कहा कि इनके सामने खड़े रहना ही अपने आप में चैलेंज है और परफॉर्म करना. ये लोग हैं, ये रंजीत साहब या जाकिर साहब, इनको कैमरा प्यार करता है, कैमरा इनके मोहब्बत में, तो हमें एफर्ट लेने पड़े और इतना इजी नहीं रहा ऑफकोर्स, लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आया नया क्रिएट करते वक्त. एंड थैंक यू अगेन हमारे साजन अग्रवाल जी, इन्होंने मुझ पर ये बिलीव रखा कि नवीन जी आप कर पाओगे. अगेन थैंक यू. थैंक यू भैया, आपने किया जी. बेसिकली जब हम लोगों ने ये टाइटल सोचा, सबसे पहले सोचा था GPL. GPL की फुल फॉर्म है गेम पैसा लड़की, और GPL का मतलब मुझे लगता है यहाँ पे सभी लोग जानते हैं. आमतौर पे एक नॉर्मल लाइफ में जो फंडू लैंग्वेज बोलते हैं उसमें कई सारे मीनिंग्स हो जाते हैं, बट हमारे GPL का मतलब है गेम पैसा लड़की, और लड़की गेम करती है पैसों के लिए, तो ये गेम पैसा लड़की है. ऑफ कोर्स इस दुनिया में जितने भी गेम होते हैं वो सब लड़की की वजह से ही हो रहे हैं, और ऐसा चलते आ रहा है कई सालों से, और शायद आगे भी बॉलीवुड में बॉलीवुड देखिए आर्टिस्ट कंफर्ट आपको स्क्रीन पे नज़र आ गया. प्लानिंग, और प्लानिंग तो साजन अग्रवाल करते ही आपको पता है, तो प्रॉब्लम आने की कोई बात ही नहीं थी. वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा. हाँ